समाधिपाद के पांचवे और छठे सूत्रों के द्वारा हमने जाना कि प्रतिक्षण हमारे मन पर अनगिनत वृत्तियों का प्रहार होता रहता है। वृत्तियां अनगिनत हैं, परंतु पतंजलि जी उन्हें पांच वर्गों में बांटते हैं ताकि हम बात को सरलता से समझ पाएं। ये पांच प्रकार की वृत्तियां हैं प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण अर्थात ऐसा ज्ञान जो हमें इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हो। विपर्य का अर्थ है भ्रमित ज्ञान या मिथ्या ज्ञान। विकल्प का अर्थ है ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ न हो। निद्रा अर्थात गहरी नींद और स्मृति अर्थात याद। ये पांच प्रकार की वृत्तियां हमारे मन पर तरह तरह के प्रभाव डालती हैं। श्री धर्मानंद गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महर्षि पतंजलि मुनि प्रणीतम योग सूत्रम। महर्षि पतंजलि कृत योग सूत्र महर्षि व्यास भाष्य सहित अनुवाद तथा प्रस्तुति कुलदीप धीमान। योगेन सिद्धस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन। योपाकरोत्तं प्रवरं मुनिना पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। इस वीडियो में हम पांच वृत्तियों में से पहली वृत्ति अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा करेंगे। जो ज्ञान हमें अपनी पांच ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां हैं आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा या चमड़ी। इन पांच के द्वारा हमें संसार का ज्ञान होता है, परंतु हमें संसार का ज्ञान अन्य माध्यमों से भी होता है। बहुत सा ज्ञान हमें अनुमान प्रमाण तथा शब्द या आगम प्रमाण द्वारा भी होता है। चूंकि इस सूत्र में प्रमाणों की चर्चा हो रही है, सबसे पहले हमें जानना होगा कि प्रमाण किसे कहते हैं। प्रमायाह करणम प्रमाणम। प्रमा का अर्थ होता है ज्ञान। जिस उपकरण के द्वारा ज्ञान हो उसे प्रमाण कहते हैं। प्रमायाह करणम प्रमाणम। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। साधारण भाषा में तो प्रमाण का अर्थ होता है सबूत या
प्रूफ। इस सूत्र में प्रमाण का अर्थ है ज्ञान का माध्यम, जैसे कि आंख या कान, जिनके द्वारा हमें रूप तथा ध्वनि का ज्ञान होता है। अतः रूप तथा रंग के बारे में आंखें प्रमाण हैं और ध्वनि के बारे में कान। मानिए कि आपके सामने एक पेड़ है। पेड़ के रंग और आकार के बारे में आपकी आंखें प्रमाण होंगी, और अगर पेड़ पर पंछी चहचहा रहे हैं तो चहचहाने के बारे में आपके कान प्रमाण होंगे। अतः प्रमाण के दोनों ही अर्थ होते हैं। प्रमाण का अर्थ सबूत या प्रूफ भी होता है और ज्ञान का माध्यम भी। इंद्रियों के द्वारा हमें जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। क्या हमें संसार का सारा ज्ञान केवल ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही होता है? नहीं, अन्य प्रमाण भी हैं। प्रमाणों की संख्या कितनी है इसके बारे में एक मत नहीं है। भारत के कुछ दर्शन 6 प्रमाण मानते हैं, कुछ 5, कुछ 4, कुछ 3, कुछ 2 और कुछ दर्शन एक ही प्रमाण मानते हैं। सांख्य और योग दर्शन को केवल 3 प्रमाण ही मान्य हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम प्रमाण। पहले हम सारे प्रमाणों की गणना कर लें, बाद में इन 3 प्रमाणों की विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसे सब प्रमाणों का राजा माना जाता है। जैसे कि हम जान चुके हैं कि जो ज्ञान 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हो उसे प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। यह ज्ञान अपरोक्ष या डायरेक्ट माना जाता है, परंतु बहुत सा ज्ञान हमें सीधे इंद्रियों द्वारा न होकर परोक्ष या इनडायरेक्ट रूप में होता है। इसे अनुमान प्रमाण कहते हैं। जैसे काले घने बादल देखकर यह समझना कि वर्षा होने वाली है, या सुबह उठकर पाना कि सड़कें गीली हैं अतः रात को वर्षा हुई होगी। जब किन्हीं दो वस्तुओं में समानता के आधार पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु का ज्ञान हो उसे उपमान प्रमाण कहते हैं। मानिए कि किसी ने खच्चर कभी ना देखी हो, उसे खच्चर का ज्ञान देने के लिए हम कह सकते हैं कि आपने घोड़ा तो देखा होगा। खच्चर बस घोड़े की तरह होती है। इस तरह उपमान द्वारा भी ज्ञान होता है। चौथा प्रमाण है अर्थापत्ति, जो कि उपमान की तरह ही होता है। जबकि उपमान प्रमाण में कार्य और कारण का संबंध सीधा होता है, अर्थापत्ति में बहुत घुमाकर होता है। अतः उसे युक्ति, इंडक्शन या हाइपोथेसिस कह सकते हैं। अर्थापत्ति प्रमाण का प्रयोग किसी विषय के विद्वान ही कर सकते हैं। पांचवा प्रमाण है अभाव। अपने आप में अभाव असंभव होता है। जब भी अभाव होता है तो किसी ना किसी वस्तु का ही होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने मेज पर एक सेब रखा है। आप कुछ समय के लिए बाहर जाते हैं और लौटने पर आप पाते हैं कि मेज पर सेब नहीं है। वैसे तो मेज पर बहुत कुछ नहीं है,
परंतु आपने यह क्यों कहा कि मेज पर सेब नहीं है? यह इसलिए कि मेज पर पहले सेब था और अब उस पर सेब का अभाव है। अतः अभाव द्वारा भी ज्ञान होता है। छठा प्रमाण है शब्द प्रमाण, जिसे आगम प्रमाण भी कहते हैं। संसार का बहुत सा ज्ञान हमें विशेषज्ञों द्वारा होता है। हम सब अब मानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, परंतु हम में से किसी ने अपनी आंखों द्वारा पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करते नहीं देखा है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि लोहे का एटॉमिक वेट 55.845 यू है, परंतु हमने स्वयं इसका निरीक्षण नहीं किया है। इस तरह के तथ्यों का हमें कैसे पता चलता है? इनका पता हमें विशेषज्ञों या विज्ञान के प्रामाणिक ग्रंथों से पता चलता है। इस प्रकार के ज्ञान को आगम या शब्द प्रमाण कहते हैं। सांख्य तथा योग दर्शन इन 6 प्रकार के प्रमाणों में से केवल 3 को ही स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम प्रमाण। सांख्य तथा योग के आचार्य बाकी 3 प्रमाणों को इन 3 के अंतर्गत ही मानते हैं। प्रमाणों के बारे में पतंजलि जी कहते हैं, प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान, आगमाः प्रमाणानि। पतंजलि जी कह रहे हैं, प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम प्रमाण। इनकी चर्चा हम कर चुके हैं। इस सूत्र की व्यास भाष्य के साथ विस्तार से चर्चा इस वीडियो के दूसरे भाग में होगी। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा अलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिना प्राञ्जलिरानतो।